नमस्कार, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ये सिलेबस है पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस का। पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस जो ये कोर्स है वो आता है ग्रुप वन, यानी ग्रुप वन पेडागॉजी ऑफ साइंस के अंतर्गत। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पेडागॉजी ऑफ साइंस के अंतर्गत पांच पेडागॉजी सब्जेक्ट आते हैं, पेडागॉजी ऑफ साइंस, पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेडागॉजी ऑफ होम साइंस और पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो मैं इसके पहले पेडागॉजी ऑफ साइंस और पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये तीसरा नंबर है पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ओके। और इसके पहले भी मैं कोर्स 1, 2, 3, 4, 5 का सिलेबस का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और ये सिलेबस है KUK यानी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा का, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और पूरे डिटेल्स में हिंदी और अंग्रेजी में इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, ओके। नोट फॉर पेपर सेटर, इसके लिए आप मेरा पहले का जो भी वीडियो है देख सकते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का इसमें टोटल बताया रहेगा। तो आपको बता दूं कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिनमें से 80 मार्क्स का रिटेन और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, ओके। चलिए यूनिट वन में आप पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप, यानी कंप्यूटर साइंस का प्रकृति और उसका क्षेत्र, मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस इन स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम में कंप्यूटर साइंस का महत्व, प्लेस ऑफ कंप्यूटर साइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ स्कूल, स्कूल के विभिन्न चरणों में कंप्यूटर साइंस का स्थान, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल, स्कूल के विभिन्न चरणों में शिक्षण कंप्यूटर विज्ञान के उद्देश्य और उसके लक्ष्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ब्लूम टैक्सोनॉमी, ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, व्यवहारिक दृष्टि से विशिष्ट उद्देश्यों का निरूपण, ओके। तो ये आपका यूनिट वन का सिलेबस है। अब हम चलते हैं यूनिट टू। यूनिट टू में आप देखेंगे कंटेंट एंड पेडागॉजिकल एनालिसिस, कंसेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस, सामग्री और शैक्षणिक विश्लेषण, उसके कंसेप्ट, उसकी ज़रूरत, उसके महत्व का पेडागॉजिकल एनालिसिस, शैक्षणिक विश्लेषण पढ़ेंगे। अब कंटेंट में क्या क्या आता है देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस सिस्टम, कंप्यूटर शिक्षा सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, MS विंडोज, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जिसको डॉस भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत ये आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पेडागॉजिकल एनालिसिस, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड फॉर पेडागॉजिकल एनालिसिस, शैक्षणिक विश्लेषण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, अवधारणा की पहचान, इनलिस्टिंग बिहेवियरल आउटकम्स, व्यवहार परिणामों को सूचीबद्ध करना, इनलिस्टिंग एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटीज और प्रयोगों को सूचीबद्ध करना, इनलिस्टिंग इवेलुएशन टेक्निक, मूल्यांकन तकनीकों को सूचीबद्ध करना, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है लेसन प्लानिंग, कंसेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग, ओके। तो इकाई योजना और पाठ योजना की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व, इसका अर्थ ये हुआ। अब देखिए यूनिट थ्री में है टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स एंड प्रोसेस,
सक्षम अधिगम संसाधन और प्रक्रिया। अब इसके टॉपिक जो है यहाँ देख लेंगे हम, डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस करिकुलम, कंप्यूटर साइंस करिकुलम के विकास और उसका डिजाइनिंग, डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्व निर्देशात्मक सामग्री का विकास, डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग कंप्यूटर लेबोरेटरी, कंप्यूटर प्रयोगशाला का डिजाइन और प्रबंधन, टीचिंग स्किल। अब टीचिंग स्किल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन का परिचय देने का कौशल, यानी कि जब कोई भी शिक्षक पढ़ाना स्टार्ट करता है तो वो लेसन को किस तरह से इंटरेस्टिंग बना के छात्रों के सामने रखता है, जिससे छात्रों को ये लेसन पढ़ने में, नया चैप्टर स्टार्ट करने में इंटरेस्ट जगे, तो वही है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, संभावित प्रश्नों का कौशल। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल, उदाहरणों के साथ चित्रण का कौशल। स्किल ऑफ स्टिम्यूलस वेरिएशन, स्टिम्यूलस विभिन्नता का कौशल। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, समझाने का कौशल। ओके चलिए अब यहाँ देखते हैं यूनिट फोर में है टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड फोर में है अप्रोचेज एंड इवैल्यूएशन, दृष्टिकोण और मूल्यांकन। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, मोबाइल लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, प्रयोगशाला विधि, मोबाइल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग इसके अंतर्गत आ जाएगा। इवैल्यूएशन मूल्यांकन, ओके, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, मीनिंग अर्थ और महत्व, इवैल्यूएशन का मूल्यांकन का अर्थ और महत्व, टाइप्स एंड टेक्निक्स, प्रकार और उसके तकनीक, अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में अच्छे टेस्ट के लक्षण, प्रिपेयरिंग रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट, परिणामों की तैयारी रिपोर्टिंग और मूल्यांकन, कंप्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, व्यापक और सतत मूल्यांकन। ओके ये है यूनिट फोर का सिलेबस। अब आप देखेंगे प्रैक्टिकम सेशनल, यानी कि जो प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के जो इंटरनल प्रैक्टिकल होता है या इंटरनल असेसमेंट का है, तो उसके अंतर्गत ये टॉपिक जो यहाँ दिया है, क्या सुझाव यहाँ दिया जा रहा है आप देख सकते हैं। डू एनी वन ऑफ फॉलोइंग, किसी एक पर आपको वर्क करना है, वो वर्क क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कोर्स कंटेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम के कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्य सामग्री का महत्वपूर्ण विश्लेषण, प्रिपेयर एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ कोर्स कंटेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम के कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रम सामग्री की एक उपलब्धि परीक्षण तैयार करें, इंटरनेट बेस्ड प्रोजेक्ट फॉर्म ए ग्रुप ऑन इंटरनेट एंड शेयर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन विथ एटलीस्ट वन लिंक टू ऑडियो वीडियो मटेरियल एंड प्रिपेयर द प्रोजेक्ट यूजिंग PPT। ओके इंटरनेट पर आधारित परियोजना, इंटरनेट पर एक समूह का गठन करें और ऑडियो वीडियो सामग्री के लिए एक लिंक के साथ शैक्षिक जानकारी साझा करें और PPT का उपयोग करके परियोजना तैयार करें। ओके तो ये आपका सिलेबस रहा, और ये सिलेबस आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आप लोगों के लिए सिलेबस लेके आ रही हूँ, तो इसके आगे भी मैं और सिलेबस जो है अदर पेडागॉजी सब्जेक्ट के वो मैं अपलोड करूँगी। बस मेरे चैनल पर बने रहे, ऐसे ही साथ देते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, या जो इस चैनल से अनजान है, नहीं जानते हैं, उन्हें ज़रूर बताएं। ओके आपको बहुत बहुत धन्यवाद।